कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और तुम दोबारा नहाने गई थी। तब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? और कैसे हैं आप? ये ब्रेसलेट ये तो इन्होंने दिलाया है। मैंने तो कहा था कि नहीं दिलाओ, तो जिद करके ऐसे ही दे देते। 5 लाख का ज्यादा नहीं है ना? आपका भी अच्छा लग रहा है जो पहना है आपने, है? कहाँ से लिया? यार ये वरुण यहाँ पे ही आ रहा है, यहीं देख रहा है क्या? इससे पूछ लूँ। एक्सक्यूज मी, 4th B कहाँ पे है? उस शीट, ये तो स्कूल में होता था। हाँ, ये हिस्ट्री की लेक्चर कहाँ पे है बताएंगे आप? मैं क्यों बताऊँ, तुम मुझे बताते हो? किससे बात कर रहे हो? अरे तो मैं बता रहा हूँ। अरे 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 करके बात मत करो। यार तो मुझे बिल्कुल तमीज नहीं है मुझसे बात करने की तुम्हें। तो मेरा फोन जो चेक करती रहती है उसका क्या मतलब? मैं तुम्हारा फोन भी नहीं चेक कर सकती। पहले तो तुम्हारा दिल सब कुछ तुम्हारा है, आप फोन नहीं ले सकती। ठीक है, मेरे से बात मत करो तुम। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन खबर के ब्रॉडकास्ट बद कहीं में। और मेरे साथ मौजूद है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोमलिका। रोमलिका कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, अतरंगी वीडियोस बनाते हैं, कभी मम्मियों की एक्टिंग कर लेते हैं, कभी चाचियों की, कभी बुआओं की। रोमलिका पहले सबसे पहले छोटा सा एक हो जाए, जिस तरह के आप वीडियो बनाते हो पहले एक हो जाए थोड़ा सा। हाँ, जे एस के सबको, आज मैं इस मंच पे आई हूँ अपने घर के इतने सारे काम छोड़ के। आप जल्दी से करिए, लेकिन क्योंकि बाकी के लिए चाय बनानी है, बाबूजी को दवाई देनी है और बच्चों का स्कूल जाने का भी टाइम हो गया, उनको टिफिन भी पैक करके देना है ना। तो ये मेरी एक कैरेक्टर थी अनुपमा। ऐसे अच्छा। बहुत सारी बहुओं को मैं लेकर अनुपमा के तो बहुत सारे मतलब ऐसे कैरेक्टर है जो वायरल होते हैं। अच्छा रोमलिका मैं बोलूँ, जो आंटियाँ शादी में जाती है और मतलब उनको दिखाना होता है अपना मेकअप दिखाना, तो उनकी क्या मतलब थोड़ा सा एक्ट कर दिखाई होगा? आंटियां जो मेकअप करती है, मेकअप मतलब आंटियां नहीं बोलूंगा, चलो दीदियां बोल देता हूँ, जो लड़कियां होती हैं जो शादियों में जाती हैं, जिनको अपना फॉर एग्जांपल शहर की लड़की गांव में गई। हाँ। तो उसका किस तरह से एक्ट होगा? उसका ऐसे होगा कि और कैसे हैं आप? ये ब्रेसलेट ये तो इन्होंने दिलाया है। मैंने तो कहा था कि नहीं दिलाओ, तो जिद करके ऐसे ही दे देते। 5 लाख का ज्यादा नहीं है ना? आपका भी अच्छा लग रहा है जो पहना है आपने, है? कहाँ से लिया बताइए? कुछ बोलते हैं नहीं शहर के लोग, यहाँ पे फ्रीडम नहीं है ना लोगों को बोलने की। हमारे वहाँ तो बड़ी फ्रीडम है। हाँ, हम तो अपने सारे बच्चों को सिखाते हैं जो बोलना है बोलो। ऐसा कुछ रहता है जब गांव की लड़कियां जाती है। अच्छा, जो कॉलेज में जो लड़कियां होती हैं उनका थोड़ा सा कुछ, जो मतलब स्कूल से एकदम से कॉलेज में जाती हैं लड़कियां, उनका थोड़ा सा मैंने देखा आप इस तरह के वीडियो भी कहीं ना कहीं करते हैं। उनके साथ ऐसा होता है कि वो थोड़ा सहमी डरी हुई होती है। यार ये वरुण यहाँ पे ही आ रहे हैं, यहीं देख रहा है क्या? इससे पूछ लूँ। एक्सक्यूज मी, 4th B कहाँ पे है? उस शीट, ये तो स्कूल में होता था। हाँ, ये हिस्ट्री की लेक्चर कहाँ पे है बताएंगे आप? बता दीजिए ना। यार उसने मुझसे हिस्ट्री की लेक्चर का बात बताई, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि मतलब क्रश से बात हो गई। बिल्कुल, मतलब स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टू टाइप के होते हैं, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और एक बहुत ज़्यादा चिल होते हैं। तो जो गर्लफ्रेंड मतलब ऐसे होती है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, उनकी किस तरह से एक्टिंग थोड़ी सी दिखाई? अरे आप मेरे से बात कीजिए, मैं करके दिखाता हूँ। आप कुछ भी बात कीजिए। किससे बात कर रही थी आप? मैं क्यों बताऊँ, तुम मुझे बताते हो? किससे बात कर रहे हो? अरे तो मैं बता रहा हूँ। अरे अरे करके बात मत करो। यार तो मुझे बिल्कुल तमीज नहीं है मुझसे बात करने की तुम्हें। तो मेरा फोन जो चेक करती रहती है उसका क्या मतलब? मैं तुम्हारा फोन भी नहीं चेक कर सकती। पहले तो तुम्हारा दिल सब कुछ तुम्हारा है, आप फोन नहीं ले सकती। ठीक है, मेरे से बात मत करो तुम। मतलब रोमल का कमाल हो, मतलब मैंने देखा है वीडियो भी काफी ज्यादा चलते हैं, मिलियन में भी जाते हैं। तो अच्छा ये कहाँ से आया, एक अलग ही आपने बिल्कुल साड़ी पहनना, सिंदूर लगाकर मतलब उस तरह से वीडियो बनाना, एक बिल्कुल अलग ही तरीका वीडियो था, इस तरह की कोई बनाता नहीं था। तो किस तरह से मतलब कहाँ से माइंड में आया एकदम से क्या अब इस तरीके से पाथ पर चलना है मुझे? क्योंकि अलग रहने में ही, भीड़ से अलग चलोगे तभी तो दिखोगे, तो चमकने के लिए अलग दिखना जरूरी है। और चमके भी, चमका भी हूँ बहुत। अच्छा रोमलिका, मैं समझता हूँ जब शुरुआत करते हैं छोटे से बड़े पर तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, और आपने तो बिल्कुल पाथ ही चेंज कर दिया, तो क्या क्या ऐसी कुछ दिक्कतें तो ज़रूर रही होंगी? और क्या, एक बहुत हद तक मैंने बहुत गालियाँ सुनी अपने माँ बाप की, नालायक हो तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, क्या करते रहते हो। मैं समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे याद है अभी भी मम्मी ऐसे बोल देती है चलते फिरते कि गवर्नमेंट का पेपर दे दो, रेलवे का पेपर निकला है, अरे कुछ तो देख लो। मतलब उनको अभी भी यकीन नहीं होता है, जब तक उनका बेटा इंजीनियर नहीं बन जाएगा तब तक खुश नहीं होंगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा रोमलिका, एक टीवी की बहू बहुत ज़्यादा फेमस है, गोपी बहू, और मैंने तो भैया एक्टिंग भी देखी है आपकी, तो मैं चाहूँगा बढ़िया सी एक होता ना, एक दिखा दीजिए दर्शकों को हमारे।
आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि एम जी तो करते ही नहीं है ना। आपकी हंसी बहुत अच्छी है, पता है एम जी की भी हंसी बहुत अच्छी है। और गोपियों का एक है लाला 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 ला। और ये लाला ला मेरी वजह से ही मैंने ट्रेंड कराया इसको, क्योंकि मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व किया था कि जो गोपी है अहम इतने टॉक्सिक है, मगर उनको हर चीज में प्रेम दिखता है, तो मैंने वो प्रेम दर्शाया है और इतना वायरल हो गया वाला साथियों को फेमस कर दिया। और क्या मतलब हर जगह लोग इसके बारे में। एक लैपटॉप वाला सीन हुआ था कि जब शुरुआत हुआ था साथने वाला साथिया, तो गोपी ने लैपटॉप ही धोड़ा ला था। हाँ। उसकी थोड़ी सी एक्टिंग दिखाई। अरे अब वो तो क्या करूं, लैपटॉप धोते हुए दिखाऊं, मतलब बताओ थोड़ा सा कि किस तरह से जब एक भोलापन उसमें दिखाया गया था, तो उसके बाद अहम का क्या रिएक्ट हुआ? मुझे नहीं लगता वो भोलापन है। गोपी बहुत ज्यादा ना, आजकल एक टर्म है डिल्यूलू, गोपी बहू डिल्यूलू में रहती है, डिल्यूलू इज द सल्यूलू फॉर गोपी बहू। तो माँ जी ने इतना टॉर्चर किया, अहम जी ने इतना टॉर्चर किया, बट उसको हर चीज ऐसे प्रेम वाणी में सुनाई देती है। तो अगर गोपी बहू को कहा जाएगा कि गोपी मेरे लिए चाय बनाओ, शक्कर भी ला दूं, तो वो उसका एक स्टाइल होता है। अच्छा गोपी की बात हो रही, तो गोपी की सास की बात कैसे ना हो, कोकिला की, तो कोकिला की एक्टिंग बढ़िया कर गई एक बार। बस पूर्ण विराम लगाइए और अंकुश लगाइए जब कोकिला मोदी बात कर रही है, समझ गया? अच्छा एक कुकर वाला बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, कुकर में चले किसने चढ़ाए वाला, उसका जो एक्टर दिखाई दे। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और तुम दोबारा नहाने गई थी, तब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था, कौन था, कौन था? फिर बोलती है ये राशि थी। तो वो काफी वायरल हुआ। अजय रोमलिका और कोई ऐसी बहू जिसकी एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद हो आपको? नागिन है, प्रेरणा है। हंस रहा है तू? इसी हाथों से मैं तेरा वध करूंगी, मेरा इंतकाम है ये। मेरी माँ को मारा था ना तूने, जब वो मरी थी उसकी छवि देखी थी मैंने उनकी आंखों में, आज तेरा अंत होगा, आज तेरा काल तुझे यहां लेके आया है, देख ले मैं हूं श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, शेष नागिनों की नागिन, शेष नागिन। बहुत फैसिनेटिंग लगता मुझे। बिग बॉस देखिए इस टाइम चल रहा है और बिग बॉस सीजन 17 चल रहा है और घासू चल रहा है, मैं देखूंगा। उसमें बहुत ज्यादा भाई फेमस हो रही है अंकिता अपने पति को लेकर, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ अंकिता की, बहुत अच्छे से अंकिता की एक्टिंग दिखाई मुझे। मैं दिखा रही हूँ ना विक्की, तू मुझसे कभी बात नहीं करता है विक्की, मैंने जिंदगी में इतने रिश्ते कमाए हैं ना, तूने सारे गवा दिए, तो इस रिश्ते को ना एक मौका नहीं दे रहा है विक्की, तू इस शादी को बहुत लाइटली ले रहा है, तू बाहर कर ली जो अपना करना, बट विक्की रिश्ता ना खत्म हो चुका है हमारा। ये लगता है, बट आई लव अंकिता दो, आई लव हर, आई थिंक शी इज फैबुलस, एंड मैंने बचपन से उनका शो देखा है, तो मैं मेरा एक बायस भी है कि शी इज माई फेवरेट अर्चना, एंड बस ये है कि मुझे लगता है उन्हें विक्की के साथ ना खेल के अपने साथ खुद के अकेला एक इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा करता है। अच्छा पिछले सीजन में अर्चना गौतम आई थी और अरे भैया क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा एक अच्छा सा एक हो जाएगा, अरे मैंने अंग्रेजी में एक चीज सुनी थी कि एज डजंट मैटर, है ना, वो चीज होनी चाहिए, आप चाय पियोगे, मेरा सिलबट्टा कहाँ है, मतलब उसकी आवाज इतनी एंटरटेनिंग थी ना, बहुत मजा आता था मुझे। बस अब हम इसी यहीं रोकना चाहेंगे अपने पॉडकास्ट को, और रोमलिका ने हमारे लिए समय दिया और आप सबको एंटरटेन करा, काफी मजा आया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।